सो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ना हम दो तरह के नोमेनक्लेचर सिस्टम को पढ़ते हैं। जो सबसे पहला वाला नोमेनक्लेचर सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं डीएल सिस्टम। क्या बोलते हैं? DL सिस्टम। और जो सेकंड वाला होता है उसको हम बोलते हैं RS कॉन्फ़िगरेशन। तो आज हम फर्स्ट वाले सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि है DL सिस्टम। इसका नाम क्या है? DL सिस्टम, या इसी सिस्टम को हम बोलते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं इसको? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। और जो RS सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं डीएल सिस्टम के बारे में कि डीएल सिस्टम में क्या होता है। तो देखो बच्चों, डीएल सिस्टम में बेसिकली हम ये देखते हैं जो OH ग्रुप है वो किस साइड प्रेजेंट है। देखो, ऐसे समझ नहीं आएगा, हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है और इसमें लिख दिया है CH2OH। यहाँ पे चारों अलग अलग कंपाउंड लिख देने OH, और यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप CHO, और यहाँ पर लिख दिया हाइड्रोजन। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कंपाउंड लिख दिया। और एक और कंपाउंड मैंने लिया है और यहाँ पर मैंने लिख दिया है एच, ये मैंने लिख दिया है OH, यहाँ पर लिख दिया है CHO, और यहाँ पर लिख दिया है CH2OH। देखो बच्चों, मैंने क्या किया है कि दो कंपाउंड लिए हैं और दोनों कंपाउंड में क्या किया है, जस्ट मैंने थोड़ा सा यहाँ पे क्या किया है कि OH को इस तरफ राइट हैंड साइड पर लिखा है मैंने, ठीक है, और यहाँ पर OH को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर कर दिया है। तो देखो, डीएल सिस्टम में हम नाम कैसे लिखते हैं, हम कौन सा किसको हम डी नाम देते हैं और किसको हम एल नाम देते हैं। तो देखो, यहाँ पर क्या करना है कि हमें सिर्फ ये चेक करना है कि जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसमें जो OH है वो किस साइड गिवन है, वो राइट हैंड साइड पे गिवन है या फिर वो लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन है। तो देखो, पहला वाला डायग्राम जो है इसमें कंपाउंड में जो OH है वो राइट हैंड साइड पे गिवन है। कहाँ गिवन है? राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे OH ग्रुप, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है? राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है। तो जब OH ग्रुप राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट होता है तो इसको हम बोलते हैं डी। ठीक है, जब राइट हैंड साइड पे होगा तो उसको बोलेंगे डी, और जब लेफ्ट हैंड साइड पे होगा तो उसको बोलेंगे एल, एल मतलब लेफ्ट। ठीक है, तो यहां पर OH ग्रुप राइट हैंड साइड पे है तो इसका नाम हो जाएगा डी, और ये जो फॉर्मूला है ये किसका है? ये कंपाउंड ग्लिसरलडिहाइड है, तो इसका नाम हो जाएगा डी ग्लिसरलडिहाइड। ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा? OH ग्रुप कहां है? लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका नाम हो जाएगा एल ग्लिसरलडिहाइड। ठीक है, क्यों? क्योंकि OH ग्रुप कहाँ पे है? बिकॉज OH ग्रुप जो है वो राइट लेफ्ट हैंड साइड पे था, है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे था, तो इसका नाम हो गया एल ग्लिसरलडिहाइड। तो इस तरह से बच्चों डीएल सिस्टम में हम नोमेनक्लेचर करते हैं। अच्छा, इसमें एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं ग्लूकोज का, क्योंकि देखो हमने बहुत सबने ग्लूकोज पिया है, ग्लूकोन डी पिया है, तो हम उसे ग्लूकोज डी क्यू बोलते हैं। ठीक है, हम उसे ग्लूकोन एल क्यू नहीं बोलते। तो कारण देखो उसमें क्या होता है। सबसे पहले तो हम ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एच, देन डबल बॉन्ड आता है ना, डबल बॉन्ड सी, देन ओ एच, देन यहाँ पर आ जाएगा एच, देन हमारे पास आ जाएगा ओ एच सी एच, देन हमारे पास आ जाएगा एच सी ओ एच, देन एच सी ओ एच, एच सी ओ एच, देन अगेन एच सी ओ एच, एंड एट लास्ट एच। तो ये होता है हमारा बच्चों ग्लूकोज का फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला होता है? ग्लूकोज का C6H12O6। अब देखो, ग्लूकोज में हमें ये देखना है, यहाँ पर तो हमने सिर्फ डायरेक्ट देख लिया एक ही कार्बन था और वही कायरल था, चारों अलग अलग ग्रुप थे तो कायरल कार्बन था, ये भी कायरल कार्बन था, तो हमने देख लिया कि कायरल कार्बन पे जो OH है वो लेफ्ट हैंड साइड है या फिर राइट हैंड साइड है। बट इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा बच्चों, कि जो OH यहाँ पर बहुत सारे कायरल कार्बन है। देखो, एक तो ये कायरल कार्बन है यहाँ पे, ठीक है, एक ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो एक तो ये कायरल कार्बन हो जाएगा, है ना, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक ये वाला कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है ना, ये कायरल कार्बन है, तो इस तरह से ये कायरल कार्बन नहीं होगा लास्ट वाला। ठीक है, लास्ट वाला कायरल कार्बन क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर इस पे दो हाइड्रोजन आ गए, सेम ग्रुप आ गए, जबकि चारों क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। तो देखो, हमारे पास चार कायरल कार्बन है, तो देखो चार में से तीन पे तो OH राइट हैंड साइड पे है और एक पे OH लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो अब हम क्या करेंगे? तो बच्चों, उस केस में ध्यान रखना है क्या कि एट लास्ट, लास्ट कायरल कार्बन क्या है? तो एट लास्ट, ठीक है, कायरल कार्बन, एट लास्ट कायरल कार्बन, या कॉमा हटा दो, एट लास्ट कायरल कार्बन, ठीक है, जो OH है
लास्ट वाले कायरल कार्बन को देखना है उस केस में। तो ये देखो फर्स्ट कायरल कार्बन, सेकंड कायरल कार्बन, ये थर्ड कायरल कार्बन और ये हो जाएगा फोर्थ कायरल कार्बन। तो जो फोर्थ कायरल कार्बन हमारे पास है, लास्ट कायरल कार्बन, इस पे चेक करना है कि इस पे OH किस साइड है, इस पे OH लेफ्ट हैंड साइड है या फिर राइट हैंड साइड है। तो इस पे जो OH है वो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। तो इसको हम बोलते हैं डी ग्लूकोज, जो हम पीते हैं ना ग्लूकोज डी, ठीक है, जिसको हम ग्लूकोन डी बोलते हैं, तो वो डी ग्लूकोज होता है। तो डी क्यों जुड़ा उसके नाम के आगे, कहीं पर सोचा होगा ना कि इसमें डी क्यों आया है, तो डी आने का कारण क्या है कि जो इसमें OH होता है वो किस साइड होता है, इसमें OH जो होता है वो राइट हैंड साइड पे होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डी ग्लूकोज। तो हमेशा ध्यान रखना है बच्चों की इफ मोर देन, इफ कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन वन कायरल कार्बन देन कंफिग्रेशन इज डिसाइडेड बाय लास्ट कायरल कार्बन। तो हमें ये देखना है कि जो लास्ट कायरल कार्बन है उस पे OH किस साइड है, राइट हैंड साइड है या लेफ्ट हैंड साइड है, तो फिर हम डिसाइड इस तरह कर सकते हैं। तो ये था हमारा बच्चों डीएल सिस्टम, ठीक है, जिसमें हमने डीएल सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने नोमेनक्लेचर किया है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। अब हम पढ़ेंगे आरएस कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक भी करते रहें, शेयर करते रहें वीडियो को, शेयर करें, ठीक है, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज चैनल भी करें सब्सक्राइब। थैंक यू।